हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रभारी सतपाल जी मंच पर उपस्थित, हमारे संगठन के महामंत्री रामलाल जी, श्री विजय गोयल जी, हमारी जनरल सेक्रेटरी किरण माहेश्वरी जी, हमारे संगठन के रूप में ध्यान देने वाले हृदयनाथ सिंह जी, महेंद्र जी, सुभाष महरिया जी और उपस्थित सभी किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे किसान मोर्चा को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि किसान के विविध सवालों पर पिछले 2 साल में बहुत ही जागरूक होकर उनने किसानों का आवाज बुलंद करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। आज देश की हालत बहुत खराब है, देश ऐसी स्थिति में आया है कि शायद अगले महीने में फिर से एक बार, मुझे एक अर्थशास्त्री ने बताया कि देश का सोना शायद विदेशों में गिरवी रखने के लिए भेजना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की जनता ने यूपीए सरकार से उम्मीद की थी, पर यूपीए सरकार के 5 साल और उसके बाद में अब 3 साल से 8 साल पूरे हुए हैं और इस 8 साल के जो परिणाम निकले हैं उससे गांव, गरीब, मजदूर और किसानों का जीना मुश्किल हुआ है। किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, गांवों के ओर से लोग शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, गांवों की हालत बहुत खराब है। एक समय देश की आर्थिक स्थिति में हमारे कृषि विकास का दर हम बढ़ाएंगे इसी बार बार घोषणाएं हुई, पंचवार्षिक योजनाओं में टारगेट दिखाए गए, पर सच्चाई ये रही कि किसानों का और गांव का भला होने के बजाय परिस्थिति और बिगड़ती गई। आज ऐसी स्थिति है कि देश के धनवान लोगों के लिस्ट में कुछ भारतीयों के नाम आए हैं, पर हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और धनवान आदमी और धनवान हो रहा है। आपको पता होगा हमारी सरकार ने कहा था कि जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा है वो धनवान है, अब सरकार कह रही है कि 66 रुपए से ज्यादा होगी वो धनवान होगा। आज आप ही विचार करिए कि जिस प्रकार से रोजमर्रा चीजों के भाव आसमान पर जाकर पहुंचे हैं, इसमें गरीब आदमी कैसे जी सकता है। महंगाई के बारे में अर्थशास्त्री दृष्टिकोण से इन्फ्लेशन, इसके बारे में जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसमें से जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसमें 18% तक इन्फ्लेशन का रेट पहुंचे है। पेट्रोल और डीजल के भाव 17 बार बढ़े हैं, बैंक इंटरेस्ट 12 बार बढ़ा है। अटल जी की सरकार में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे देश में इतने मजबूत थे कि हमारा रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत होता था, आज हमारा रुपया रोज डॉलर की तुलना में नीचे जा रहा है और घसरते हुए जा रहा है। 2 बार पेट्रोल और डीजल के भाव केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए का जो अवमूल्यन हुआ इसके कारण पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं। अटल जी की सरकार के समय 8% 8.5% किसानों को ऋण मिलता था, कर्जा मिलता था, क्रॉप लोन मिलता था, आज 14 और 15% तक क्रॉप लोन रेट पहुंचा है। बहनों और भाइयों, हमारे देश में जो खाद के बारे में बहुत दुख का विषय है, मैं अभी ओम प्रकाश जी धनखड़ जी से कह रहा था कि 1950 साल में खाद की कीमत कितनी थी, डीजल की कीमत कितनी थी, साधारणता उस समय बिजली का दर क्या था, सीड की कीमत कितनी थी,
सोने की कीमत कितनी थी, स्टील सीमेंट की कीमत कितनी थी, इसका एक बार चार्ट 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, एक बार कृषि मूल्य, कृषि उपज जो है उसके भाव, और इसके साथ जो चीजें लगती है किसानों को और देश को उसके भाव किस प्रकार से बढ़े, उसका एक तख्ता तैयार करिए। आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारे मिश्र खतों की कीमत, यूरिया की कीमत पिछले चार साल में 3 गुना बढ़ी है, 4 गुना बढ़ी है। खाद की कीमतें बढ़ रही है और इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर खाद की कीमत 10-20% नहीं, 3 गुना 4 गुना बढ़ रही, तो किसान कहां से लाए। जो अच्छे कंपनी का ड्रिप 16-18 हजार रुपए में मिल सकता है, उसकी कीमत कंपनियों ने 30-35 हजार रुपए एकड़ के लिए लगाई है, क्योंकि उनकी सब्सिडी एक एक साल नहीं मिलती। आप केवल कहिए कि किसान ने ड्रिप लगाने के बाद 15 दिन के अंदर सब्सिडी मिलेगी, आज ड्रिप के रेट 35 हजार रुपए एकड़ से 20 हजार रुपए एकड़ पर आ सकते हैं एक छोटे से निर्णय से, पर कोई करने के लिए। मैंने मेरे क्षेत्र में 2500 किसानों को ड्रिप लगा दिया, इस साल 6000 एकड़ का लगाने वाले हैं। मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं, ड्रिप कंपनी को मैंने बुलाया, मेरी कॉर्पोरेट गारंटी देता हूं, आप लो, नहीं दिया पैसे तो मैं गन्ने से काट के दूंगा, नहीं दिए तो मैं दूंगा, आप करा दो। लोग ले रहे, किसान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करना चाहता, पर दुर्भाग्यवश इस देश में किसानों की चिंता नहीं होती। बहुत बार मैं आपके पास बता चुका हूं कि किसान बिजली तैयार कर सकता है, किसान डीजल पेट्रोल तैयार कर सकता है, और अभी तो यह संभव है। 27 तारीख को हमारे यहां एक प्रयोग है, उसका उद्घाटन है, मेरा जन्मदिन है 27 मई को, जो डिस्टिलरी में जो मीथेन तैयार होता है उससे 20,000 किलो सीएनजी तैयार हो रहा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यहां कम से कम 1000 ट्रैक्टर है, तो मैंने कहा कि ये ट्रैक्टर सीएनजी पर चले, तो डीजल इंजन को सीएनजी पर कन्वर्ट करना कठिनाई आती है। ट्रक का डीजल इंजन सीएनजी पर कन्वर्ट हो जाए तो पोल्यूशन नहीं होगा। सीएनजी का भाव 45 रुपए किलो है, जिसमें 1.3 डीजल, 1 लीटर डीजल की तुलना 1.3 माइलेज मिलता है जितना 1 लीटर डीजल में मिलता है, तो किसानों के 20-25 रुपए लीटर अगर अगर उसमें बचत होगी तो किसान का फायदा हो सकता है। इस देश का किसान सीएनजी तैयार कर सकता है। आपके यहां जो कचरा है, गोबर है, उस गोबर को ठीक प्रकार से रखा तो मीथेन तैयार होता है, और मीथेन से अगर हमने सीएनजी को अलग किया तो सीएनजी से हमारी ट्रक ट्रैक्टर चल सकती है, और जो CO2 निकलता है वो CO2 अगर हमने पानी में डाला, जिसका प्रयोग मेरे अभी सक्सेसफुली हुआ है कि पानी में डालकर उससे काई अलगी तैयार होती है, और उससे सबसे ज्यादा ऑयल परसेंटेज उसमें ज्यादा है और उसमें डीजल तैयार होता है। मैं कोई कहानी की बात नहीं बता रहा हूं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। और किसान अगर डीजल पैदा करेगा, किसान अगर अपने ट्रैक्टर चलाएगा, किसान अगर अपनी गाड़ियां चलाएगा, गांव में जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, रतन जोत, मोह, साल, करंज, इससे डीजल तैयार होता है, और कितने मेगा उसका प्लांट। हमारे कर्नाटक की सरकार को बुलाना चाहिए, उनके रामकृष्णन को बुलाइए, एम के अन्ना पाटिल को बुलाइए, कर्नाटक में 1000 प्रकल्प शुरू है कि वेस्ट लैंड पर नॉन एडिबल ऑयल सीड की तैयार करके वहां से डीजल बनाकर वो बेच रहे हैं, ऐसे प्लांट भी आए हुए हैं। क्यों नहीं हमारी यूपीए सरकार डीजल तैयार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। हमारे देश का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 3,70,000 करोड़ का है, 17 बार अपने पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए, डॉलर इतना जाता बढ़ गोल्ड, और 3,70,000 करोड़ का इंपोर्ट क्रूड का, और 2,40,000 करोड़ का इंपोर्ट गोल्ड का। इन तीनों के कारण भारत की इकोनॉमी चौपट हो गई है, इसके कारण डॉलर की तुलना में रुपया नीचे जा रहा है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं कि हमारा किसान ये कर सकता है, उसको प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे। हम इथेनॉल तैयार करते हैं, अभी तक नहीं लेते। 5 महीने से फाइल पड़ी हुई है सब कमेटी की, 27 रुपए लीटर का भाव है, उसको 32 रुपए करना है, पूरा तो नहीं किसान को देना। इंडियन ऑयल कंपनी जो है वो किसानों के इथेनॉल को खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी कोई लॉबी नहीं है। आज अगर इथेनॉल सरकार खरीदती है
शुगर के गन्ने वाले किसानों को अच्छे भाव मिल सकते हैं। ब्राजील में 25% इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है और 22% इथेनॉल डीजल में डाला जा सकता है और गाड़ियां चल रही है। तो 3,70,000 करोड़ के 25% अगर इथेनॉल आएगा तो इस देश में कम से कम 60,000-70,000 करोड़ अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, रूरल इकोनॉमी में किसानों के पास अगर उसका फायदा मिलेगा तो लाखों किसानों को, किसानों के युवाओं को इसका रोजगार मिलेगा और गांव गरीब मजदूर किसान का भला होगा। हमारी सरकार वो नहीं कर रही है, वो इंपोर्ट कर रही है, डॉलर में रुपया दे रही है, सऊदी अरेबिया को दे रही है, इराक को दे रही है, ईरान को दे रही है। बढ़ते हुए बैरल पर बैरल की कीमत सरकार दे रही है पर बायोफ्यूल और किसानों को प्रोत्साहित करने की नीति नहीं दे रही है। ये कौन से किसानों के हितों की सरकार है? कितनी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सोलर एनर्जी आई है, राजस्थान सरकार ने एक स्कीम का उपयोग किया है कि सोलर के ऊपर 30% सब्सिडी और उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उन्होंने भी सब्सिडी दी है, टोटल 80% सब्सिडी मिलती है। अब सोलर का चित्र बदल गया है, पहले 1 मेगावाट सोलर पावर तैयार करने के लिए कैपिटल कॉस्ट 16 करोड़ रुपए थी, अब 1 मेगावाट सोलर पावर तैयार करने की कॉस्ट 7 करोड़ रुपए तक आई है। अब सोलर एनर्जी 7.5 रुपए यूनिट के भाव से मिल सकती है। इस देश के किसानों को अगर सोलर पंप दिए तो आज किसानों को कोई बिजली के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसान का घर सोलर पावर पर चल सकता है और किसान का पंप भी सोलर पावर पर चल सकता है। अब वो दिन दूर नहीं है कि किसान को अगर इसकी सुविधा की तो किसानों को अंधेरे में रहने का कोई कारण नहीं है। हमारे इंजीनियर्स ने मेरे यहाँ एक रिसर्च किया है कि जो पंप चलता है आपका मोटर पंप वो एसी पर है और जो सोलर एनर्जी वो डीसी पर है, तो उन्होंने एक पावर पैक सिस्टम तैयार की है और वो सोलर के पैनल से बिजली तैयार करती है और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके जो डीसी की पावर है वो एसी पर यूज करके आपका 3 और 5 हॉर्स पावर का पंप ये सोलर एनर्जी पर चलने वाला शुद्ध उन्होंने लगाया है। ये संभव है, मैं कोई हवा की बात नहीं, मेरे यहां कुछ हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको, आप क्या भी उत्तर। अब किसान को पूरी तरह सोलर एनर्जी के ऊपर सब्सिडी मिलकर किसान को आत्मनिर्भर करना चाहिए, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हर किसान अपने को जितना खाद लगता है उतना अपना घर में करे। आज वर्मी कल्चर के द्वारा, कंपोस्ट प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ऑर्गेनिक खाद है वो किसान अपने घर में तैयार करेगा। ये रासायनिक खाद को कम करिए, बंद करिए इसको। अगर हमने ये ऑर्गेनिक खाद तैयार किया और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़े ऐड किए, एग्रीकल्चर रिसर्च वालों को आह्वान है तो उसकी एनपीके वैल्यू बढ़ाकर उसको हम यूज करके, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमारे इसको अच्छी कीमत मिला सकते हैं। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, तीन बातों पर हमारे किसान आगाड़ी को सोचना होगा। एक तरफ हमारा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी टेक्नोलॉजी, बिजली, पानी, इक्विपमेंट किसानों को कैसे मिलेंगे, दूसरी ओर सोचना होगा कि जो उत्पादन हम कर रहे हैं उसको अच्छे भाव कैसे मिलेंगे। मैं आपके साथ चलूंगा प्रधानमंत्री के पास, आप अध्ययन करिए, मैं आपके साथ ह्यूमन राइट कमीशन में चलूंगा। ये आर्थिक शोषण जो हो रहा है, जो किसानों को आत्महत्या करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है, जो काम मजदूरों, जो काम कर्मचारियों के साथ जो न्याय होता है वही न्याय महंगाई के इंडेक्स के साथ, किसानों के उपज मूल्यों के साथ क्यों नहीं होता?